दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के उत्तम प्रदेश में अब उन्हीं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। इसके तहत फिरोजाबाद शहर में जगह जगह हर घर तिरंगा अभियान के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए। इस होर्डिंग्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ। जी हाँ, अब जब एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद सारे के सारे अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, अब ऐसे में यूपी में ही वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ ऐसी छेड़छाड़ मिलती है, वो भी 15 अगस्त के ठीक पहले। जब होल्डिंग्स लगे गए थी तब उसके बाद काफी ज्यादा तारीफ हो रही थी, लेकिन जैसे ही शनिवार की सुबह लोग घूमने निकले तो होल्डिंग्स को देखकर भौचक्के रह गए। सभी होल्डिंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा काट दिया गया। किसी ने बड़ी ही सफाई से इस करतूत को अंजाम दिया। होल्डिंग से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काटे जाने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया, हड़कंप मच गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। वहीं नगर निगम द्वारा इन होल्डिंग्स को हटाने का काम भी शुरू करा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बम से उड़ाने की किसी ने धमकी दी थी, और सीधा ये दोबारा धमकी थी, क्योंकि इससे पहले भी एक धमकी आ चुकी थी जिसके बाद उस पूरे मामले में कार्रवाई की गई और जो भी वैधानिक कार्रवाइयां थी वो अमल में लाई गई। लेकिन अब ऐसे में ठीक 15 अगस्त से पहले इस तरह की जो ये शरारत की गई है या फिर इसको साजिश रची गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उसका पता लगाने में पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद पूरे के पूरे इलाके के साथ यूपी तक में हड़कंप मच गया है। बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है और भौचक्के हो गए हैं कि आखिर यूपी के सीएम की तस्वीरों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करने का दुस्साहस किसने दिखाया है। आपको बता दें, सुहास नगर के विजय टॉकीज पर लगे होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का चेहरा काट दिया गया। शहर के बाकी इलाकों में लगे होर्डिंग से भी मुख्यमंत्री का चेहरा गायब नजर आया। होर्डिंग से मुख्यमंत्री योगी का चेहरा काटे जाने के पीछे किसकी शरारत है या साजिश है, इस बात को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से होर्डिंग से तस्वीरें काटी गई हैं, वे किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। व्यापारी पंकज गुप्ता ने बताया है कि सभी होर्डिंग 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर लगी थी। जिसने भी ये हरकत की है वो बेहद ही शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन द्वारा जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा विकास पालीवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा पूरे शहर में ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा काट दिया गया। ये किसी की सोची समझी साजिश है। कुछ लोग शहर की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं। अब ये साजिश है या फिर शरारत है, कुछ शरारती तत्वों की हरकत है, इसको पता लगाने में पुलिस प्रशासन जुट गया। पुलिस प्रशासन जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगा, ताकि ये सारी जो भ्रामक चीजें चल रही हैं ऐसे यूपी में, उन सभी पर लगाम लग सके और योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ जिसने भी छेड़छाड़ की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी पुलिस प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है। दोस्तों, 15 अगस्त से ठीक पहले इस तरह की घटना होना, वो भी यूपी में, ये आपको क्या लगता है कि कुछ शरारती तत्वों की शरारत है या फिर इसके पीछे साजिश हो सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और इसके साथ ही बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद।